Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आपको पता है कि केवल चौथी क्लास तक पढ़े जीडी नायडू भारत के सबसे महान इन्वेंटर्स में से एक हैं, जिन्हें भारत का एडिसन भी कहा जाता है, और वो अपने इन्वेंशन के लिए पैटेंट हासिल करने वाले पहले भारतीयों में से एक हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। गोपाल स्वामी दोरईस्वामी नायडू यानी जीडी नायडू का जन्म 23 मार्च 1893 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से 26 किलोमीटर दूर कालंगल नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। दुर्भाग्य से केवल 2 साल की उम्र में उनकी मां की मृत्यु हो गई। नायडू जब चौथी क्लास में थे, उनकी शरारतों से परेशान होकर उनके पिता ने स्कूल छुड़ाकर उन्हें एक खेत में काम करने भेज दिया। एक दिन लैंकशायर नामक अंग्रेज अधिकारी मोटरसाइकिल से नायडू के गाँव आया। मोटरसाइकिल में कुछ खराबी थी। नायडू को कुछ फटे कपड़े और मिट्टी का तेल लाने को कहा गया। नायडू लैंकशायर को अपनी बाइक की मरम्मत करते देखकर बहुत इंप्रेस हुए और सोचने लगे कि बिना घोड़ों या बैलों के ये मशीन आखिर चलती कैसे है। मशीनों के बारे में जानने की इच्छा उन्हें कोयंबटूर ले गई। वहाँ कड़ी मेहनत करके 3 साल में उन्होंने किसी तरह 400 रुपए जोड़े और लैंकशायर की बाइक खरीदने उसके पास चले गए। मशीनों के लिए नायडू के इस लगाव से लैंकशायर इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी बाइक नायडू को बेच दी। बाइक के मैकेनिज्म को समझने के लिए नायडू ने बाइक के हर पुर्जे को खोल अलग कर उसे फिर से जोड़ा और ये पल उनके जीवन का एक इम्पोर्टेंट पल बन गया। अंग्रेजी सीखने की इच्छा से नायडू कोयंबटूर में एक अंग्रेज व्यापारी रॉबर्ट स्टैंस के घर रसोइये का काम करने लगे। रॉबर्ट स्टैंस 1921 में शेवरोले ट्रक्स और बसेस के एकमात्र डीलर थे। उन्होंने नायडू को उधारी पर एक बस दी और उस एक बस से नायडू ने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। उस समय आम आदमी केवल बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से ही सफर करते थे। नायडू अपने लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए पोलाची और पलानी के बीच खुद बस चलाने लगे। 1933 में उन्होंने यूनिवर्सल मोटर सर्विसेज नाम की कंपनी स्थापित की, जिसमें 280 बसेस का फ्लीट था, जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा था। 1935 के आसपास वे एक स्टूडेंट बनकर बेल्जियम चले गए। वहाँ अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने बेकरी में भी काम किया। एक दिन ब्रेड काटते समय उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक रेजर का प्रोटोटाइप बनाया, जिसके डिजाइन को उन्होंने 1936 में पैटेंट करवाया। दुनिया भर की बड़ी फर्म्स ने उनके डिजाइन को खरीदना चाहा, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। नायडू मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे और अपनी इस इन्वेंशन को अपने देशवासियों को देना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा करने में इतनी बाधाएं डाली कि वो अपने एम को पूरा नहीं कर सके। वर्ल्ड वॉर टू के समय भारत में होम अप्लायंसेस, कंप्रेसर, पंप और प्रिंटिंग प्रेस में यूज होने वाले मोटरों की सप्लाई बहुत कम हो गई थी, इसलिए 1937 में नायडू ने उद्योगपति बाला सुंदरम के सपोर्ट से भारत में पहला इलेक्ट्रिक मोटर बनाया। मोटर का दाम कम होने के कारण भारत में इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। इस पर ब्रिटिशर्स ने भारत में बने मोटरों पर बहुत अधिक टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद वो नायडू को बड़े मोटर मैन्युफैक्चरर बनने से नहीं रोक पाए। आज दुनिया के सबसे बड़े मोटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से एक कोयंबटूर में है, जिसका बीज जीडी नायडू ने बोया था। नायडू अपनी कोशिशों से खुद सीखने वाले इंसान थे, जिन्हें मिरेकल मैन और एडिसन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके इन्वेंशन से कई प्रोडक्ट्स जैसे कि वोट रिकॉर्डिंग मशीन, जूस एक्सट्रैक्टर, कॉइन ऑपरेटेड फोनोग्राफ्स, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और 16mm प्रोजेक्टर को बनाने में मदद मिली, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि केवल चौथी क्लास तक पढ़े नायडू एक इन्वेंटर, एग्रीकल्चरल रिसर्चर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर और एक एजुकेशनिस्ट भी बने, जिन्होंने इंडिया का सबसे पहला पॉलीटेक्निक कॉलेज आर्थर होप पॉलीटेक्निक को स्थापित किया। यहाँ उन्होंने करिकुलम डिजाइन करने के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी। ग्रेट साइंटिस्ट सर सीवी रमन ने भी जीडी नायडू को जीनियस पर्सनालिटी मानकर कहा था कि श्री नायडू वास्तव में लाखों में एक इंसान हैं और उनकी प्रशंसा में ये कहना भी उनके लिए कम होगा।